हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुची आलू ब्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। तो चलिए मेरे साथ देखिए इमली की चटनी कैसे बनती है। आज मैं इमली की चटनी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है, खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका मन हो दही वड़ा चाट बनाए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम इमली लिया था और उसको 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम छन्नी में छान के और गैस पे चढ़ा दिए हैं, और इधर तवा गर्म हो रहा है। अब तवा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है, बस फ्लेवर के लिए ही थोड़ा सा भूनेंगे। और इसमें 1/2 चम्मच गोलमरीच डाल देंगे। अब इसको ठंडा करके और मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। यहाँ इमली बॉयल हो रहा है और इसमें डालेंगे गुड़। तो हम इसमें गुड़ और चीनी दोनों ही डालेंगे, क्योंकि ये इमली के टेस्ट को बैलेंस करेगा। और मैंने इसके साथ ही 1/2 चम्मच नमक भी डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसमें पतली या फिर गाढ़ी आपको जैसी भी पसंद हो वैसी इसको बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। तो मुझे स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा और भी हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने जीरा सौंफ और मरीच का पाउडर तैयार किया था, अब उसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे। तो देखिए अब लगभग इमली का चटनी हो गया तैयार। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस स्टेज पे गैस को ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे 3 या 4 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इमली की चटनी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।